क। तो चलिए देखते हैं क किस प्रकार लिखा जाता है। क। अब मैंने लिख लिया है, तो चलिए इसकी प्रैक्टिस करते हैं। तो आप भी मेरे साथ लिखिए। क। वाव। तो चलिए अब लिखेंगे हम ख। तो ख की प्रैक्टिस करते हैं। ये मैंने लिखा है ख। तो चलो मेरे साथ आप लोग भी प्रैक्टिस करो। अब हम लिखेंगे ग। तो पहले मैं लिखूंगी, फिर आप लोग भी प्रैक्टिस करना। ये मैंने लिखा है ग। तो चलिए इसकी प्रैक्टिस करते हैं। ग। घ। तो देखो मैंने कुछ इस तरह घ लिखा है, तो आप लोग भी मेरे साथ प्रैक्टिस करो। अब हम लिखेंगे हेन्या। अब आपकी बारी, आप लोग भी मेरे साथ प्रैक्टिस करो। हेन्या। पहली लाइन पूरी हुई, तो चलिए लिखेंगे अब च। अब मैंने लिख लिया है, अब आप लोगों की बारी, आप भी प्रैक्टिस करो इसे किस प्रकार लिखते हैं। अब हम लिखेंगे छ। तो आओ अब आप भी प्रैक्टिस करो। तो चलो अब आप लोग भी लिखो ज।
अब हम लिखेंगे झ। ये मैंने लिख दिया है झ। अब आप लोग की बारी, आप लोग मेरे साथ प्रैक्टिस करो। झ अब हम लिखेंगे इया। ये मैंने लिख दिया। अब आप लोग की बारी, आप लोग भी मेरे साथ अब प्रैक्टिस करो। हमारी दो लाइन कंप्लीट हो गई है। तो चलो अब आगे के अक्षर सीखते हैं। ट तो ट को कुछ इस प्रकार लिखा जाता है, तो आप लोग भी सीखिए। अब आप लोग भी लिखकर प्रैक्टिस कीजिए। अब आप लोग की बारी, आप लोग भी प्रैक्टिस कीजिए। अब हम लिखेंगे ढ। मैंने यहाँ लिखा है ढ। तो चलो अब आप लोग भी प्रैक्टिस करो। ये मैंने लिखा है अण। अब आप लोग भी इसी प्रकार प्रैक्टिस करो। तो हमारी तीन लाइनें कंप्लीट हो गई है। तो चलिए अब सीखते हैं त। अब आप लोग भी मेरे साथ लिखो त। हे!
तब हम सीखेंगे ख। तो थ को किस प्रकार लिखा जाता है, तो चलो आओ आप लोग भी प्रैक्टिस करो। द, ये मैंने लिखा है द। और अब आप लोग की बारी। अब हम लिखेंगे ध। तो ध कुछ इस प्रकार लिखा जाता है, तो आप लोग भी मेरे साथ प्रैक्टिस करो। अब हम लिखेंगे न। न, मेरे बिना तो ही आज आपने प्रैक्टिस कर ली न की। वाओ न। अब वो लाइन कंप्लीट हो गई है, आगे का पढ़ेंगे प। आप भी लिखो मेरे साथ साथ। अब हम लिखेंगे फ। तो चलो आप भी प्रैक्टिस करो। अब हम लिखेंगे ब। ये मैंने लिखा है ब, तो आप लोग भी मेरे साथ प्रैक्टिस करो। तो चलो अब आप लोग भी प्रैक्टिस करो घ लिखने की, मेरे साथ साथ आप लोग भी लिखो। अब हम लिखेंगे म।
उम कुछ इस प्रकार लिखा जाता है। तो आओ प्रैक्टिस करें म लिखने की। अरे हमने वर्णमाला की 5 लाइनें कंप्लीट कर ली हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। य, तो य कुछ इस प्रकार लिखा जाता है। अब आप लोग भी मेरे साथ इसी प्रकार लिखिए। र, तो र कुछ इस प्रकार लिखा जाता है। तो चलिए इसकी प्रैक्टिस करते हैं। आप लोग भी मेरे साथ लिखिए र। अब हम लिखेंगे ल। ल को कुछ इस प्रकार लिखा जाता है। अब आप लोग भी मेरे साथ सीखिए ल। व को कुछ इस प्रकार लिखा जाता है। अब आप लोग भी मेरे साथ प्रैक्टिस करिए व लिखने की। अब हम लिखेंगे श। श को कुछ इस प्रकार लिखा जाता है। तो चलिए आप लोग भी मेरे साथ सीखिए कि श किस प्रकार लिखा जाता है। अब हम लिखेंगे श। अब हम फिर लिखेंगे श। तो यह श किस प्रकार लिखा जाता है, चलिए देखते हैं। अब आप लोग भी मेरे साथ लिखिए श। श। अब हम सीखेंगे स। स को कुछ इस प्रकार लिखा जाता है। तो चलिए आप लोग भी मेरे साथ सीखिए। ये हमने लिख लिया स।
अब हम लिखेंगे ह। ह को कुछ इस प्रकार लिखा जाता है। तो चलिए आप लोग भी मेरे साथ सीखिए। अब हम लिखेंगे श। श को कुछ इस प्रकार लिखा जाता है। तो चलिए आप लोग भी प्रैक्टिस कीजिए। अब हम लिखेंगे त्र। त्र को कुछ इस प्रकार लिखा जाता है। तो चलिए आप लोग भी मेरे साथ लिखिए। त्र। अब हम लोग लिखेंगे क्या। तो ज्ञा को कुछ इस प्रकार लिखा जाता है। तो आप लोग भी मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए। श्र को कुछ इस प्रकार लिखा जाता है। तो चलिए आप लोग भी प्रैक्टिस कीजिए। तो आप लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से वर्णमाला सीख ली है। आप सभी का धन्यवाद।